हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आदर्श श्रीवास्तव। तो जैसे कि आप ये देख सकते हो, महिंद्रा की सबसे पॉपुलर गाड़ी जिसका नाम है स्कॉर्पियो क्लासिक। तो ये गाड़ी मैं अब मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि कब लॉन्च हुई थी। 2002 में लॉन्च हुई थी। आप ये 2022 का मॉडल देख रहे हो, मतलब 20 साल मतलब होने जा रहे इस गाड़ी को। लेकिन इस गाड़ी की डिमांड आज भी इतनी ही है जितनी कल भी थी। तो इसका एक और मॉडल आता है स्कॉर्पियो एन, जिसकी वेटिंग पीरियड तो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ये इस गाड़ी की अगर मैं पॉपुलैरिटी की बात करूं तो आज भी इतनी है जितनी कल थी। तो आप फ्रंट के लुक देख लो, फ्रंट में आपको कोई खास चेंज नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको ये वाली चीज़ें आप देख सकते हो, ग्रिल थोड़ी चेंज लगेगी और महिंद्रा का लोगो जो कि काफ़ी अच्छी हो गई अभी। अगर मैं गाड़ी की मैं बात करूँ तो ये दो कलर्स में सबसे ज़्यादा बिकती है, एक वाइट कलर और ब्लैक कलर। तो ब्लैक कलर तो सबसे बेस्ट होती है स्कॉर्पियो में, लेकिन वाइट कलर भी काफ़ी शानदार लग रही है अच्छे से। और मैं आपको बता दूँ, ये गाड़ी अभी काफ़ी गंदी थी, लेकिन हमको पता नहीं लग रहा कि वाइट कलर का यही फ़ायदा है कि आपको गंदा पता नहीं चलता है। आप देख सकते हो इस गाड़ी में आपको DRS मिलता है जो कि पहले नहीं आता था, यहाँ भी आपको मिलता है, नीचे फॉग लाइट्स मिलेगा। और अगर मैं इस गाड़ी की प्राइस की बात करूँ तो इसका एक्सशोरूम प्राइस करीब आपको 15.5 लाख पड़ जाएगा। डायमेंशंस में गाड़ी को चेंज नहीं की गई है, वैसी की वैसी है, आप ये देख सकते हो। अगर मैं चेंजेस की बात करूं तो आपको ये दिख सकता है अलॉय व्हील्स, जो कि 17 इंची का आता है, जो कि पहले 17 इंची का नहीं आता था। और साइड में देख सकते हो स्कॉर्पियो की काफ़ी अच्छी बेजिंग दी गई है, और ये फुटरेस्ट दी गई है, काफ़ी शानदार लग रहा है ये। और यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर्स दिया हुआ है। और अगर मैं आपको इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो इसमें 2200 cc का इंजन आता है, 4 सिलेंडर का MOK इंजन, जो कि काफ़ी तगड़ी है। यहाँ से आप फ्यूल भर सकते हो। और ये आप टॉप मॉडल देख रहे हो S11। और ये कुछ बैक का लुक। तो चलिए पैसेंजर साइड डोर की तरफ चलते हैं। तो जैसे इसका नाम है स्कॉर्पियो क्लासिक, तो कई सारे चीजें आपको क्लासिक की ही तरह दिखेगा, मतलब कि आप ये देख सकते हो। अगर मैं इसकी डीमेरिट की बात करूं तो 2022 हो रहा है, 2022 हो रहा है, फिर भी आपको कुछ इस तरह का मिल रहा है, मतलब कि आपको लग रहा है कि आप क्लासिक में ही बैठ रहे हो। लेकिन इस गाड़ी की शानदार बात है वो हाइट है इस गाड़ी की। जब आप गाड़ी में बैठोगे तो आप देख सकते हो पूरा आपको रोड का कमांडिंग मिलता है, कितनी ही रोड खराब हो ये गाड़ी आपकी निकल जाएगी, पूरा आपको बोनट का एरिया मिलता है, आप देख सकते हो। तो चलाने में गाड़ी काफ़ी मज़ा आएगा आपको, कोई बंदा ही गाड़ी चलाएगा, हाँ गाड़ी काफ़ी लंबी है, बड़ी है, जो भी है, लेकिन एक बार चला लेगा तो उसे दिक्कत नहीं होगी। तो आप इंटीरियर्स की देख सकते हो कैसा है। इंटीरियर्स में कोई चेंजेस नहीं की गई है, क्योंकि गाड़ी मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो कोई खास चेंजेस नहीं की गई है। थोड़ी सी इंजन चेंज कर दी गई है, थोड़ी सी लोगो चेंज कर दी गई है, लेकिन इसमें मेजर चेंज की बात करूँ प्राइस का डिफरेंस है। ये आप टॉप मॉडल देख रहे हो जो कि एक शोरूम प्राइस 15.5 लाख है, वही पहले आपको पड़ता था करीब 21.5-22 लाख का, जो कि प्राइस में काफ़ी आपको डिफरेंस दिखेगा। आप ये AC के देख सकते हो, क्रोम फिनिशिंग के साथ आती है। और यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ा स्क्रीन मिलता है, जो कि मैं आपको बता दूँ ये आफ्टर मार्केट वाला स्क्रीन आपको लगेगा, कंपनी फिटेड आपको नहीं लगेगा। इस गाड़ी में अगर मैं चेंज की बात करूँ तो ऑटोमेटिक AC आता है, पूरी आपको वुडन फिनिश मिलेगा। और ये अब डीजल इंजन देख रहे हो, रिवर्स के लिए आपको आगे दबा के आगे करना पड़ेगा। आपको वही पुराना इंफोटेनमेंट सिस्टम का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वैसे ही मिलता है, तो भी आपको क्लासिक का फील होगा कि आप क्लासिक में बैठे हो। ये सनग्लास होल्डर, यहाँ पर कोई लाइट नहीं मिलता, वो काफी ये छोटी सी मिरर दी गई जो कि काफी बड़ी होनी चाहिए थी, गाड़ी काफी बड़ी है लेकिन मिरर काफी छोटी है। आपको ऊपर लाइट मिलता है जो कि आपको हेलोजिन लाइट मिलता है। तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि गाड़ी क्लासिक है, तो इसको पूरी क्लासिक की तरह बनाई गई है। यहाँ पर 4 पावर विंडोज के कंट्रोल्स आप ये देख सकते हो, ये वॉल्यूम के कंट्रोल्स, बीच में महिंद्रा का लोगो जो कि काफी अच्छी लगती है,
यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल भी मिलता है जो कि पहले नहीं आता था। गाड़ी में आपको 180 का टॉप स्पीड मिलता है। और अगर गाड़ी की मैं माइलेज की मैं बात करूँ तो भाई आपको 15-16 का माइलेज इसमें मिलेगा जो कि डीजल इंजन है। और इस गाड़ी की मैं अगर एक और खासियत की मैं बात करूँ तो इस गाड़ी में पहले काफ़ी नॉइज था, मतलब कि आप अगर हाथ रखोगे तो गाड़ी आपकी ऐसे ऐसे हिलेगी, लेकिन अब वो ये प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगा क्योंकि इसकी जो डीजल इंजन है काफी रिफाइन कर दी गई है। अगर मैं ड्राइवर साइड डोर की तरफ से आपको दिखाऊं गाड़ी में को स्पीकर्स आता है, और स्पीकर्स की मैं क्वालिटी की बात करूं तो मैं बोलूंगा डिसेंट क्वालिटी है, कोई शानदार क्वालिटी नहीं मैं बोलूंगा। आप यहां देख सकते हो स्कॉर्पियो काफ़ी अच्छी बैजिंग दी गई जो काफ़ी अच्छा लगता है। और ये कुछ ऐसा दिखता है ड्राइवर साइड डोर की तरफ से, कोई पावर स्टॉप बटन का कोई बटन नहीं मिलेगा, आपको यहीं से करना पड़ेगा। यहाँ से आप साइड व्यू मिरर्स को और भी कंट्रोल कर सकते हो यहाँ से, और एसी के कंट्रोल्स और ये लाइट्स के कंट्रोल्स और ये वाइपर्स के कंट्रोल्स। और अगर मैं हॉर्न आपको सुनाऊं तो हॉर्न चेंज कर दी गई है, काफ़ी शानदार लग रही है हॉर्न और काफ़ी ज़ोर भी है। और अगर डोर की मैं बंद की बात करूं तो आपको थोड़ा सा मेहनत लगेगा क्योंकि काफ़ी अच्छी है। यहाँ ये पावर विंडोज कंट्रोल्स मिलते हैं, और ये जो आपको स्पेस दी गई है फ़ोन के लिए, लेकिन मैं अगर प्रैक्टिकल में बात करूं तो फ़ोन यहाँ अटती नहीं है जो कि पता नहीं महिंद्रा ने क्या सोच के दिया ये वाला। ये 1 लीटर बोतल के लिए स्पेस दी गई है। इस गाड़ी में आपको चढ़ने के लिए आपको फुट रेस्ट पर पैर रखना ही पड़ेगा, ये गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी तगड़ी है। आप ये पीछे से देख सकते हो कुछ ऐसा दिखता है। ये गाड़ी की मैं रुतबा में बता रहा हूँ जैसे पहले थी आज भी वैसे ही है। और इसकी गाड़ी की मैं डिमांड की अगर बात करूँ तो भाई 2002 में लॉन्च हुई थी, आज भी 2022 में भी सेल हो रही है नए वर्जन के साथ, नए जनरेशन के साथ इसकी सेल आज भी इतनी ही है जितनी पहले थी। आपको कुछ थोड़ा सा मॉडर्न दिखेगा हेडरेस्ट जो कि काफ़ी बड़ी बात है, और वह पुरानी की तरीके से पीछे में सीट्स, दो स्पीकर्स और ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। तो गाड़ी में मैंने कई सारे तारीफ कर दिया, तो मैं थोड़ा सा डीमेरिट्स भी अब गाड़ी में बोलना चाहूँगा। भाई अगर लेगरूम की मैं बात करूँ तो हाँ लेगरूम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर थाई सपोर्ट की मैं बात करूँ तो इतना शानदार आपको थाई सपोर्ट नहीं मिलेगा। इस गाड़ी में अगर डीमेरिट्स की अगर बात करें तो इस गाड़ी में बॉडी रोल काफ़ी ज़्यादा है, आप 70-80 के ऊपर जाओगे गाड़ी आपकी ऐसे सुनने लगेगी कि, और किसी ने संभल के नहीं चलाया तो भाई गाड़ी पलटने की चांस है। और काफ़ी बड़ा विंडो का एरिया दिया गया जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और यहाँ पर ऐसे हाथ रख सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। ऊपर हेलोजिन लाइट्स दी गई जो कि LED देनी चाहिए थी, और ये हाथ पकड़ने के लिए यहाँ पर आपको कोट के लिए होल्डर दी गई है दोनों साइड। आप ये इंटीरियर को चेकआउट कर लो कैसा लग रहा है आपको। स्कॉर्पियो एन इससे जो एक और आई है नई वाली है वो पूरी मॉडर्न है जो कि काफ़ी अच्छे। अगर उसकी मैं अगर एक शोरूम प्राइस के बताऊँ टॉप मॉडल के करीब करीब 28-29 लाख आपको पड़ जाएंगे। और ये सीट बेल्ट कोई लेवल्स नहीं दी गई है, फिक्स रही है। जैसे कि मैं बता रहा था कि गाड़ी को उतरने के लिए वो थोड़ी सी मेहनत लगेगी, किसी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी है। आपको यहीं से खोलना पड़ेगा, और भाई अगर सीट बंद रहती है तो काफ़ी अच्छी आपको स्पेस मिल जाती है बैक। आप सीट यहां से खोल सकते हो, दो जन आराम से बैठ जाएंगे जैसे पहले थे। तो जैसे कि इसका नाम है क्लासिक, तो पूरी क्लासिक वे में गाड़ी को बनाई गई है। आप पीछे से लाइट देख लो, काफ़ी अच्छा स्कॉर्पियो का बैजिंग दी गई है। तो इस गाड़ी में अगर बात करूं तो ब्लैक कलर में काफ़ी शानदार लगती है। यहीं से आपको अंदर बैठ कर ओपन और क्लोज कर सकते हो क्योंकि स्कॉर्पियो एन में सेम चीज़ आता है। आपको जोर से बंद करना पड़ेगा। तो ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और इसी तरह से मैं वीडियो लाता रहूँगा। और क्या लगता है ये गाड़ी की डिमांड कितनी है आप ज़रूर कमेंट में बताइए,
और आपको ज़्यादा अच्छा कौन सा लगता है, स्कॉर्पियो क्लासिक की स्कॉर्पियो एन, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और ये वीडियो को मैं एंड करता हूँ, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू।